यूपी में एक बार फिर चला तबादला एक्सप्रेस। 21 आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर, कई जिलों के कप्तान बदले गए। शैलेंद्र कुमार प्रयागराज के एसएसपी बने, आकाश तोमर गोंडा के एसपी बने। पिता की जयंती पर सियासी हंगामा, मां के छल के आंसू। सोनीलाल पटेल की जयंती कार्यक्रम पर अनुप्रिया पल्लवी के टकराव ने मां कृष्णा पटेल को रुलाया। पिता की जयंती को लेकर बहनों का तकरार, लखनऊ में पल्लवी ने दिया धरना, पुलिस ने पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया। सोनीलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ में वोल्टेज, सियासी ड्रामा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पुलिस ने हिरासत में लिया, पल्लवी पटेल का कर रहे थे समर्थन। पिता की जयंती मनाने को लेकर संग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पल्लवी पटेल का बड़ा बयान, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले मैं जाऊंगी और रुकने वाली नहीं हूं, लेकिन बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पल्लवी पटेल के कार्यक्रम को लेकर ओपी राजभर का बयान, पल्लवी पटेल को हॉल नहीं मिलना, गलत सरकार ने किया गलत। पिता की जयंती पर पल्लवी पटेल हिरासत में, तो अनुप्रिया पटेल ने किया जयंती कार्यक्रम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जयंती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज से तेलंगाना बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 2 दिनों की बैठक में कई बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में मौजूद रहेंगे पीएम, सीएम योगी और सीएम धामी भी पहुंचे हैदराबाद। आज तय हो सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक के बाद फैसला। 2024 के मद्देनजर संगठन में बदलाव संभव। कानपुर में पाकिस्तानी नागरिक का खुलासा, शहर में 32 सालों से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक, कोर्ट के आदेश पर जोही थाने में दर्ज हुआ केस। कानपुर में दावत इस्लामी के सेंटर पर तलाशी, कानपुर पुलिस ने सेंटर और लाइब्रेरी में की थी तलाशी, डिप्टी पड़ाव में स्थित मस्जिद में है सेंटर और लाइब्रेरी। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। मेरठ का ड्रग्स माफिया तस्लीम की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस, विदेश में भी तस्लीम का कनेक्शन खंगाल रही है पुलिस। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की संपत्ति जब्त, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव की भी संपत्ति सील।